सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। गुरुवान डेयरी फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आपको एक जागरूक पशुपालक से मिलवाएंगे। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि जो इनकी जानकारी है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। कैसे इनके पास पशुधन है आप इन पे नज़र दौड़ाइए। तो ये भैंस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइट और लेंथ की ये भैंस। और ये बाकी के पशु, इनका जो फीड प्लान है, ये जो रिपीटर भैंस है उस पे सबसे ज़्यादा, और दूध के लिए जो इनके घर पे आने के बाद पशु एक दो केजी प्लस ही कर जाता है, तो उसकी जो जानकारी है फीड प्लान की, वो पूरी जानकारी आपको बताएंगे। ये क्या क्या मिक्स करवा के एक अपने पशुओं के लिए फीड तैयार करवाते हैं। तो आइए आपको मिलवाते हैं भाई साहब से। जी आइए भाई साहब। तो सबसे पहले तो भाई साहब नमस्कार। तो भाई साहब, जैसे कि पहले तो अपना नाम और एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। मेरा नाम गुरत्यान सिंह है। अच्छा जी। विलेज अपना रछेड़ी है। अच्छा जी। डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा में भाई साहब का रछेड़ी गांव है। तो जैसे कि भाई साहब जो आपके पीछे ये भैंस देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले व्यूअर्स के लिए इसकी डिटेल थोड़ा साझा करें, ये कौन से ब्यांत में है और इसकी मिल्क कैपेसिटी कितनी है। ये दो बार की ब्याई हुई है जी। अच्छा जी। और 24 किलो की भैंस है जी। अच्छा जी। और मैंने ये रिपीटर परचेज की है जी। अच्छा, रिपीटर परचेज की है। जैसे कि मैं आप सभी को अभी बता ही रहा था कि भाई साहब जो रिपीटर भैंस है उसको परचेज करने के काफ़ी, अगर शौकीन भैंस हो, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही असाधारण भैंस हो, उसको लेने के इच्छुक रहते हैं, जो कि 20 प्लस की मान के चलें आप, उन भैंसों के भाई साहब शौकीन हैं। और तो भाई साहब जैसे कि अभी इसको कितना टाइम हो गया ले हुए आपको। अभी मेरे पास तो इसको 15 ही दिन हुए। अच्छा, 15 दिन हुए आए हुए। और अब इसके नीचे तकरीबन 11 लीटर के करीब दूध है। अच्छा, अभी 11 लीटर के करीब दूध है। तो जैसे कि अभी आपने ट्रीटमेंट वगैरह इसका स्टार्ट कर दी। कर दिया जी ट्रीटमेंट इसका, जो भी करना है। अच्छा जी। तो जैसे कि ये आगे वाली झोटी जो आपकी, ये तो ड्राई है भाई साहब, जो ये वाली ड्राई छोड़ दी है जी। अच्छा, ये वाली झोटी, इसकी डिटेल है जिसका शेयर करें भाई साहब हमारे साथ। ये 6 दांत है जी मुंह से। अच्छा जी। और युवराज की झोटी है। अच्छा, युवराज की कट्टी है ये। हाँ जी। ये अब की बार दूसरी बार भी आई है, टॉर्शन के कारण इसकी कटड़ी निकालनी पड़ी थी। अच्छा जी। तो अभी तकरीबन 20 दिन के करीब ब्याई हुई होगी है। अच्छा जी। तो 16 किलो दूध तैयार है। अच्छा, अब भी 16 किलो दूध दे रही है। टॉर्शन के कारण इसकी बच्चा जो है वो निकालना पड़ा था, दिक्कत में मर गया था। हाँ जी। तो भाई साहब इसको एक बार खोल के दिखाएं आप, ताकि इसके एडर की क्वालिटी, थन वगैरह की क्वालिटी, जो युवराज बुल है हरियाणा का काफ़ी फेमस बुल और काफ़ी कंपटीशन में विनर रह चुका है, काफ़ी प्रतियोगिता में इनाम जीत चुका है, अडर की क्वालिटी देखिए आप, जैसे कि थनों का स्पेस देखिए आप और दूध की उभरी हुई नसें देखिए आप इसकी। देखिए आप उभरी हुई नसें देखिए और थनों का थनों से गैप और पीछे वाले थनों का गैप देखिए आप। और थन तो मुट्ठी साइज का बहुत ही बढ़िया, पीठ बूटे की चौड़ाई। तो आज जैसे कि 6 दांत है भाई साहब। हाँ जी, 6 दांत है जी। तो इसकी मदर जैसे कि ये है भाई साहब, इसकी मदर ये है। तो भाई साहब के फार्म पे ही है इसकी मदर। तो ये जैसे कि भाई साहब कितना मिलक दे देती है, कहीं रिकॉर्ड भी करवाया क्या इसका भाई साहब? नहीं जी, रिकॉर्ड नहीं करवाया। अच्छा जी। 18 से 19 किलो दूध दे देती है। अच्छा, आपके घर की है वैसे ये? घर की है जी। अच्छा, देखिए आप अब की बार छठी बार भैया इसके अडर की क्वालिटी देखिए आप, दूध वाली जो मिल्क वेन है, दूध की नसें देखिए आप इसकी। आपको साइड से और दिखाऊं मैं, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई देखिए और इस भैंस की ऊंचाई और इस झोटी की ऊंचाई, जो इसकी बेटी है, इसकी ऊंचाई देखिए आप और ये देखिए मिल्क वेन देखिए आप, बहुत ही अच्छा पीठ पुट्ठा भी। और एक ये भैंस भाई साहब, ये 20 किलो की झोटी है जी। अच्छा जी।
तकरीबन 4 महीने से ऊपर की ब्याई हुई होगी। अच्छा जी, कंसील भी कर गई है। अच्छा जी, तो अभी 16 लीटर तैयार है इसके नीचे। अच्छा, इसके नीचे भी अब 16 लीटर के करीब तैयार है। दूध की नसें वगैरह देखिए आप इसकी, और थन देखिए बहुत ही अच्छा, थनों का गेप जो है वो बहुत बढ़िया, और ए क्वालिटी अडर जिसको बोल देते हैं, थनों से आगे भी और थनों के पीछे भी देखिए आप, बहुत बढ़िया है इसका अडर। और देखिए आप पीछे की साइड भी, पीछे से मूत्र मार्ग से लेके आगे सुंडी तक काफ़ी लंबा अडर है इस भैंस का। कद बाडी की तो वैसे नॉर्मल है, लेकिन और दूध की काफ़ी अच्छी और कन्नी वाला सी। दाने को शरीर पे नहीं लगाती, बिल्कुल पतले रहती है। अच्छा जी, दूध से नहीं हटेगी। देखिए इसके भी पीठ पीठे की चौड़ाई देखिए आप। तो जो भाई साहब आपका फीड फॉर्मूला है जिससे आप पशुओं से इतना दूध, और जो रिपीटर पशु है उनको जैसे कि आगे कंसीव करवा पाते हैं, वो मैं मेरे व्यूअर्स के लिए जानना चाहूँगा कि फीड फॉर्मूलेशन में आप क्या क्या मिक्स करवा के देते हैं और किस क्वांटिटी में वो मिलवाते हैं। ऐसा है जी, पर क्विंटल के हिसाब से हमें 20 किलो बिनोड़ा। अच्छा जी, 20 किलो मक्की। ठीक है जी भाई साहब। 10 किलो सरसों, 10 किलो चने का टुकड़ा। अच्छा जी, 12 से 13 किलो चोकर। अच्छा जी, और 7 से 8 किलो सूंग जिसको तारामीरा बोलते हैं। अच्छा, तारामीरा। हाँ जी। अच्छा जी, बाकी 2 किलो सिरा। अच्छा जी, 1 किलो नमक। अच्छा जी, और 2 किलो कैल्साइड पाउडर के नाम से आता है एक पाउडर। अच्छा, डाल लेते हैं या टॉक्सी बाइंडर डाल लेते हैं जैसे बरसात का मौसम। अच्छा, टॉक्सी बाइंडर। हाँ, तो ये फॉर्मूला है जी। अच्छा, ये फीड जैसे कि मैं एक बात पूछना चाहूँगा भाई साहब आपसे, ये रेट में किस हिसाब से, जैसे कि भाई साहब अप्रोक्सीमेटली मान के चलें तो कितने एक में? ये जी मिनिमम 3,000 रुपये से लेकर और 3,400 रुपये क्विंटल तक पड़ेगी। तो आप लोग ये तैयार भी करवा सकते हैं, बाकी जो ये रिपीटर पे और ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं जैसे कि कोई वैक्सीनिंग है या कोई दवाई और देना है, वो भी मैं वीडियो में भाई साहब से लेके आप सभी तक पहुँचा दूँगा। तो एक जो ये युवराज वाली और कट्टी है, ये और देख लीजिए आप, इसकी पीछे का थनों का गैप देखिए, और झुट्टी की बनतर देखिए आप, बहुत अच्छी है। और एक ये जो अभी भाई साहब लेके आए हैं, बहुत ही बढ़िया हाइट और लेंथ की भैंस है, बहुत ऊंची भैंस है। भाई साहब की हाइट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें, भाई साहब की हाइट 5'9" है, तो आप अंदाज़ा लगाएं भाई कितनी हाइट हो सकती है। भाई साहब के शोल्डर लेवल के करीब इंच, आधा इंच ऊपर ही मिलेगी शोल्डर लेवल से, बाकी कम नहीं है भाई साहब के शोल्डर लेवल से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि भैंस की ऊंचाई कितनी होगी। तो सभी भाइयों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी और भाई साहब के पशु कैसे लगे ये कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। और जो व्यूअर्स अपने चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचती रहे। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।